सीतामढ़ी रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर 8 नाबालिग बच्ची को बचाया गया। 6 महिला दलाल हुई गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से अशफाक खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी रेड लाइट एरिया में देर रात छापेमारी कर 8 नाबालिग बच्ची को मुक्त कराया गया, साथ ही 6 महिला दलाल को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी के मुताबिक कैलाश शरणार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने रेड लाइट एरिया में चल रहे देह व्यापार में कई नाबालिग बच्ची के शामिल होने की सूचना डीएम को दी थी, जिसके बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीएम और एसडीपीओ की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की। रेड लाइट एरिया में रेड हुई है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे ही बचपन बचाओ आंदोलन को एक सूचना मिलती है कि सीतामढ़ी जिले के इस्लामपुर इलाके के आसपास कुछ नाबालिग बच्चियों को खरीद फरोख्त करके यहाँ लाया गया है। बच्चियों को आसाम से, पश्चिम बंगाल से, देश के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर खरीद फरोख्त के रखा गया है और इनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। ये सूचना के बाद मैं और मेरी टीम डीएम साहब से मिलते हैं कल, और डीएम साहब के ही निर्देश पर तत्काल कार्रवाई होते हुए एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब के नेतृत्व में और इसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी साहब कर रहे थे, तो सब ने मिलकर के बचपन बचाओ आंदोलन के साथ देर रात तक उस जगह पर छापामार कार्रवाई करी। और उसके बाद रात में जब बच्चियों को बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बड़ी ही दयनीय थी, जैसे कि बहुत दिनों से उनको खाना नहीं मिला हो या बीमार होने पर कोई दवाई नहीं मिली हो। तो उसके बाद फिर देखा गया कि 8 नाबालिग बच्चियों को हम लोग उनके चंगुल से मुक्त कराने में कामयाब हुए और 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। वहाँ पर बहुत ही अवैध तरह की चीज़ें, अश्लील सामग्रियाँ बरामद की है पुलिस ने, और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है और पूरे देश भर से लड़कियों को यहाँ खरीद कर करके रखा जाता है और उनसे जबरिया देह व्यापार कराया जाता है। इसमें अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।